नमस्कार दोस्तों, आज हम घोसी विधानसभा के क्षेत्र में सुल्तानपुर नाम से एक जगह है, आज वहीं हम उपस्थित हैं। मेरे साथ शम्स तबरेज जी हैं, जो प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी से बनाए गए हैं। जब आचार संहिता लागू की गई थी, उसके कुछ ही दिन पहले इनका आगमन हुआ सुल्तानपुर के धरती पे, जो लखनऊ से प्रदेश सचिव के रूप में अल्पसंख्यक समाज के प्रदेश सचिव बनकर आए हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शम्स तबरेज है, मैं समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक परिषद का प्रदेश सचिव हूँ। जी, मैं सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान है क्या? मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहा है और आज भी समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान 100% मुसलमान है, और आप देखेंगे कि उसका कोई विकल्प भी नहीं है और मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहा है। ये सब भारतीय जनता पार्टी और फासी टोटी ताकतों का एक उदाहरण, वो जो है घबरा के या हताशा में इस तरीके का वो जरूर बयान दे रही है। कोई समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा कोई वो नहीं है, मुसलमान हमेशा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब भी आ गए हैं, तो इनके आने से मुसलमान उनके साथ नहीं जाएंगे क्या? ओवैसी साहब, अभी आपने उनका देखा बिहार के अंदर चुनाव हुआ, आपने देखा कलकत्ता के अंदर चुनाव हुआ, जो हश्र इन दोनों राज्यों में हुआ वही हश्र जो है उनका उत्तर प्रदेश के अंदर भी होगा। यहाँ के मतदाता बहुत ही सूझबूझ से काम लेंगे और यहाँ के मतदाता अलग एक छाप छोड़ेंगे। जिस तरीके से बिहार में उनका हश्र हुआ और कलकत्ता में हश्र हुआ, उसी तरीके से यहाँ भी उनका हश्र होगा। कुछ मुसलमान समुदाय के लोग कहते हैं कि पहले हमारा कोई नेता नहीं था, अब आप उनको नेता मानते हैं मुसलमान समुदाय के लोग, तो थोड़ा बहुत असर तो पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर। मुसलमान हमेशा नेता मान्य मुलायम सिंह यादव को माना, आज अखिलेश यादव के नेतृत्व में सारे मुसलमान एकजुट होके उनके साथ जो है वोट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब के आने से कुछ मुसलमान जाहिर है कि उनके पक्ष में जाएंगे। पहले समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुसलमान खुलकर वोट करते थे, लेकिन अब और भी ऐसे चेहरे आ गए हैं जिससे कुछ वोट समाजवादी पार्टी का बढ़ जाएगा। ये जाहिर सी बात है कि कुछ मुसलमान वर्ग के लोग ओवैसी साहब को अपना नेता मानते हैं। मैं आगे आपसे अगला सवाल मेरा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितने सीटों के साथ सरकार बनाएगी? उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, 400 सीट हम जीतेंगे, 300 का वो जगह ढूंढ लें कि 303 सीट वो कहाँ जीतेंगे। हम 400 सीट जीतने जा रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। हमारा जो 18 का घटक दल है, गठबंधन हुआ हमारा, वो सारे के सारे आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग भाग के आ रहे हैं और उनको कोई जगह नहीं है। इससे जीता जाता मिसाल है कि जब जो है कोई तूफान आता है, जब कोई मुसीबत आती है, तो सबसे पहले जानवर भागते हैं, चूहे भागते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर से लोग निकल के भाग रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता। हम 400 सीट जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने जा रहे हैं। क्या मुद्दे क्या है आप 400 सीट की बात कर रहे हैं, तो 400 सीट समाजवादी पार्टी कैसे जीतेगी? हमारे पास सबसे पहला मुद्दा है, जो भारतीय जनता पार्टी एक झोपड़ी में रहने वाला आदमी, एक गरीब आदमी, चाहे एक मकान हो चाहे दो कमरे का मकान हो, जो है कहीं भी रहता हो, आज वो हजार हजार दो दो हजार की बिल दे रहा था। आज हम उत्तर प्रदेश के सरकार बनने के बाद, जब सरकार बनेगी, सबसे पहले हम 300 बिजली फ्री जो है करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी का भी हो। फिर किसानों की जो बिजली है, जो किसान अपने घर जो है सीखता था, उसको जो है 90 रुपये हम दिए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनकी भी बिल 1000 रुपये के करीब करीब कर दी, उसको उसकी भी हम जो है माफ करने जा रहे हैं, वो भी फ्री होगी। उसके बाद जो है कन्या धन या विद्या धन हम देंगे, और सबसे पहले आपको बता दें, इनपुट करने के बाद जो जाति गणना होती है, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी जाति जो है गणना नहीं कराई, हम जाति गणना जो है 3 महीने के अंदर हम जो है जाति जनगणना जो है करा देंगे, जिससे पता चल जाएगा कि कौन बिरादरी कितनी है, उनको उतनी हिस्सेदारी हम देंगे, और जो है लैपटॉप देंगे,
बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्या विद्या धन देंगे और लोहिया आवास देंगे, जनेश्वर मिश्रा गांव कराएंगे, लोहिया जो है गांव कराएंगे। और आपने देखा होगा इतना बड़ा जो है स्टेडियम बना कि जो आज तक किसी ने स्टेडियम उस तरीके का पूरे हिंदुस्तानी बल्कि पूरे दुनिया में कम समय में जो माननीय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बनाया था, उन्होंने एक जो है सपना सोचा था और सपना को साकार किया था। आगे भी हम चल के काम करेंगे। यहाँ तक कि साल से जो लोग मर जाते थे, आपने देखा होगा कितने लोग साल से मर जाते थे, उनको भी हम 5 लाख रुपया जो है देने का काम करेंगे। आकाशीय बिजली गिर जाती थी उसको भी 5 लाख रुपया जो है देने का काम करेंगे। अगर जो है कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप जो है नदी में जो है या नहर में या जो है तालाब में अगर डूब के मर गया उसे भी 5 लाख रुपया देंगे। लूम से अगर कोई जो है फंस गया उसको भी जो है क्या बोलते हैं आपके जो है 5 लाख रुपया जो है देने का काम करेंगे। बुनकर भाइयों को जो बिजली हम माफ किए थे 72 रुपया 70 रुपया में हम देने का काम करते थे, उनको भी जो है हम जो है 5 साल जिस तरीके से हमारी जो सरकार रहेगी देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दें, ये सब चीज यही है, राशन भी हम फ्री देने जा रहे हैं। हमारी अनेक योजनाएं हैं, हम माननीय मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने करके दिखाया है, एक अलग जो है करके दिखाया है। इतनी जो है बढ़िया और इतने बढ़िया जो है मुख्यमंत्री आज तक किसी नहीं हुआ। और उसी चीज को लेके हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शकील नदवी साहब भी पूरे प्रदेश में एक अलग अपनी छाप बनाए हुए हैं, एक जो है अलग जो है सोच बनाए हुए हैं और अलग अलग जगहों में जाके हमारे जो है आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को जो है आप देखेंगे अभी जो पहला चरण का चुनाव होगा, दूसरा चरण का भी होने जा रहा है, आप देखेंगे कि हताशा के तहत लोगों के ऊपर नाई हसन के ऊपर अभी मुकदमा ठोका गया। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य आते ही उनके ऊपर मुकदमा उनको ऊपर भी जो है लगा दिया गया। हम जो है मुकदमे से नहीं डरते हैं, हम लोग जो है लड़ाई के जो है मैदान में हम हमेशा जो है चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए हैं और मैदान हम लोग फिर जीतेंगे। अब 400 सीट फिर उत्तर प्रदेश के अंदर हम जीतने जा रहे हैं, कोई जो है दुनिया की कोई ताकत इंशाल्लाह नहीं रोक सकती। मेरा सवाल आपसे यह है मुसलमानों के ऊपर कि जहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी संख्या है वहाँ ओवैसी जी अपनी 100 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। मुझे आप ये समझाइए कि उनके 100 सीटों पर चुनाव लड़ने से जहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, तो उसका क्या असर पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर? आपने देखा होगा हम किसी के उसमें नहीं जाते। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी वह भी हमेशा 100 और 85 जो है करीब करीब मुसलमानों को टिकट देती थी और उसके बावजूद हमारे समाजवादी पार्टी के 45, 47, 50 के करीब करीब जो है विधायक हुआ करते थे। आज उसी तरीके से फिर हमारे जो है समाजवादी पार्टी से मुसलमान चुनाव जीतेगा। आप उससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है, कोई वोट कहीं बट नहीं रहा है और कोई कहीं लेकिन नहीं है, हम फिर जो है चुनाव जीतेंगे। मुसलमानों द्वारा समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, उनका विकास नहीं करती है। ऐसी कोई बात नहीं है, अनेक योजनाओं जो है भारत जो है समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को दिया। आपने कब्रिस्तान का देखा, उसी कब्रिस्तान के नाम पे इन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की बात की। आपने गंगा में देखा, आपने जमुना में देखा, आपने जो है बनारस में देखा होगा, बलिया में देखा होगा, गाजीपुर में देखा होगा, अभी कोरोना के नाम पे कितनी लाशें जो है बह रही थी। आपने देखा होगा मुसलमान को कितनी योजनाएं जो है समाजवादी पार्टी ने दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जो है बुनकरों को बिजली फिक्स रेट पे दिया, इस तरीके से तमाम जो है आप लैपटॉप देखिए, तमाम चीजें मुसलमानों को दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सिर्फ जो है मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, मुसलमान जो है कहीं नहीं जाएंगे। मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ आगे भी था और मुसलमान आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। घोषित से अभी सीट क्लियर नहीं हुई है कि कौन प्रत्याशी लड़ेगा, लेकिन चर्चा में है कि दारा सिंह चौहान को घोषित विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। अगर दारा सिंह चौहान जी को टिकट दिया जाता है तो घोसी के मुसलमान दारा सिंह चौहान के साथ खड़े रहेंगे क्या? समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे जितने भी घटक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब मिल बैठ के फैसला कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, समाजवादी पार्टी का जो फैसला होगा, हम जो है सारे के सारे जितने कार्यकर्ता हैं, हम समाजवादी पार्टी के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए जिसको भी समाजवादी पार्टी टिकट देगी, हम लोग उसके साथ
तन से मन से धन से हर तरीके से उसके लिए लग जाएंगे और समाजवादी पार्टी मऊ जनपद में किसी की बोनी नहीं होगी, चाहे वो मऊ जनपद हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, या कहीं जो है पूर्वांचल में उनका खाता नहीं खुलने वाला है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर यह बात नहीं रहती, पहले जो है मथुरा गया, मथुरा के बाद जो है अयोध्या, अयोध्या के बाद वही अपनी पुरानी जगह मिल गई, वही उनका स्थान है, उसके बाद वो कहीं नहीं जाएंगे। और वहां भी आपको बता देना चाहता हूँ, वहां भी ये चुनाव हारने जा रहे हैं, कोई उसको रोक नहीं पाएगा। चलिए, ये तबरेज जी थे जो समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक समाज का बनाया गया है, इनको अभी आप इनको सुन रहे थे। मेरे साथ एक और व्यक्ति है जिनका नाम अभय यादव जी है, सोनू नाम से भी इनको लोग जानते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष घोसी है, आइए इनसे जानते हैं कि ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। तो शिवपाल यादव जी भी अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं, तो इससे क्या मजबूती मिली है समाजवादी पार्टी को? देखिए, जो हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, जिनके बारे में आज नहीं जब हम लोग छोटे थे तब से लोग चर्चा करते हैं कि संगठन के काफी तेज तर्राक नेता हुआ करते थे, और उनके साथ माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव के साथ काम करने का उनके पास ही काम था, और उनका आह्वान हुआ कि नहीं अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना। तो हमारे जितने दल में कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सारे लोग काफी ईमानदारी से, मजबूती से और मेहनत से लग गए हैं समाजवादी पार्टी के साथ। तो पहले जो चर्चे चल रहे थे, जो शिवपाल जी और श्री अखिलेश यादव जी में जो अनबन की बातें थी, ये सारी बातें खत्म हो गई है क्या? जी खत्म, बातें कहाँ बची हुई हैं। शिवपाल जी संघर्ष कर रहे हैं, रोडों को उतर चुके हैं, अखिलेश जी को वो नेता मान चुके हैं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश जी को सीएम बनाना है। इस बार समाजवादी पार्टी कितने सीटों के साथ चुनाव जीतेगी? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम 400 सीटें जीत रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 18 घटक दल हैं, उनका भी एक जनाधार है जो सपा के साथ जुड़ा है काफी मजबूती के साथ। और भारतीय जनता पार्टी की जो नाकामियां रही हैं 5 साल में, जनता काफी त्रस्त है उनसे, और कहीं ना कहीं जनता मन बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए। चलिए, काफी छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, और 2022 का मुख्य उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी का को सत्ता से दूर करना है, उनको हराना है, और समाजवादी पार्टी फिर सत्ता में कैसे वापस आए, इसके लिए वो तमाम हथकंडे अपनाई है। अब देखते हैं 2022 का चुनाव होने के बाद क्या रिजल्ट आता है, कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। अगले किसी वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।